सचिवालय के ठीक पीछे योजना भवन के बेसमेंट की बंद पड़ी अलमारी से 2.31 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और 1 किलो सोना बरामद हुआ है। पुलिस ने नकदी और सोना जब्त कर लिए हैं और योजना भवन के 7 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अलमारी में रखे ट्रॉली सूट केस में 2000 और 500 के नोट थे। इतनी बड़ी तादाद में नकदी और सोना किसने रखा, इसकी जाँच की जा रही है। योजना भवन में IT विभाग, जनाधार प्राधिकरण जैसे संवेदनशील विभागों के दफ्तर हैं। सरकारी विभाग की अलमारी से करोड़ों की नकदी और सोना मिलने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की खामियों के साथ कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को पूरी घटना का ब्यौरा दे दिया और शुक्रवार को घटना के बाद देर रात करीब 11 बजे सचिवालय में मुख्य सचिव उषा शर्मा, DGP उमेश मिश्रा और जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना के बारे में जानकारी दी है।